नमस्कार, मैं अनुषा वर्मा। आप देख रहे हैं एथ न्यूज 11। देश प्रदेश की खबरों को देखने हेतु जुड़े हमारे साथ साथ देखिए आज की खबरें हमारे पत्रकार द्वारा खोजी खबर को। इसके साथ आपसे अनुरोध है कि हमारे खबरों को अपने मोबाइल पर देखने हेतु हमारे चैनल एथ न्यूज 11 को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इस वक्त गढ़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संग्रह में है और यहाँ ग्रामीणों ने ये रोड को लेकर के उग्र हो चुके हैं। जो ठेकेदार जो है यहाँ का, ये मनमानी कर रहा है, बड़ा बड़ा मेंटल और कहीं कहीं गड्ढा इस तरह से है कि देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो आइए यहीं पर ग्रामीणों से मिलते हैं, क्या समस्या है इनकी और किस स्थिति में ये लोग इस रोड पर चल रहे हैं। कैमरा मैन सागरा करेंगे, क्या ये दिखाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। नाम राकेश रोशन है। क्या समस्या यहाँ की? समस्या यह है कि आज से करीबन 6 माह पूर्व इस रोड को संग्रह कला स्टैंड से लेकर पचफेड़ी सिवाना तक का पास हुआ था। इसमें ठेकेदार जो भी थे कुड़वाकर 6 महीना पहले कुड़वाकर चुपचाप सो गए और इसमें बड़ा बड़ा मेंटल, कहीं कहीं गड्ढा है, कहीं नाली का पानी आ रहा है। इस मुद्दा पर सारे लोग, हम लोग यहाँ के मुंशी, स्थानीय मुंशी से बात किए तो मुंशी बोला कि आप ठेकेदार से बात कीजिए। ठेकेदार को मुंशी भी बोले कि हम ठेकेदार से बात किए हैं, काम लगाएंगे, लेकिन 6 महीना हो गया इससे काम नहीं लग पाया। इसके चलते यहाँ के जितने भी बूढ़ी माता हैं, 2-3 को कोरोना पेशेंट हैं, अपने दरवाजे पे बैठे रहती हैं और जब डस्ट उड़ता है, गाड़ी तो ट्रैक्टर वाले तो 60-70 की स्पीड में चलते हैं, जब डस्ट उड़ता है तो उन लोगों के अंदर खांसी ऊपर जाता है और खांसी से 2-3 को महिलाएँ, हमारे गाँव की महिलाएँ बुजुर्ग हॉस्पिटल धर लिए हैं। मतलब उनको हो सकता है कि कब मृत्यु हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर उनका मृत्यु भी अगर होता है तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं इनका जवाबदेही होगा और इन पर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा उनके द्वारा होगा। आप परिवहन विभाग और यहाँ जिला प्रशासन के क्या कहेंगे इस रोड को लेकर? कहीं जल जमा हो जा रहा है, कहीं बड़ा बड़ा मेंटल है, तो प्रशासन को, सरकार को क्या कहेंगे इसके लिए? हम लोग इसके लिए एक आवेदन तैयार किए हैं। आवेदन हम लोग DC महोदय के पास लेके जा रहे हैं और परिवहन विभाग जो है उनके पास भी हम लोग फैक्स करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ कोई मांग सुन नहीं रहा है। ठेकेदार कान में तेल डाल के सोया हुआ है, क्योंकि जान रहा है कि यहाँ के लोग, ग्रामीण लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम लोग इंतजार 6 महीना करते करते लास्ट में हम लोग उग्र हो गए और इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। बने रहिए, आगे इसी कड़ी में दिखाते हैं कार रोड का स्थिति है, कितना बड़ा बड़ा मेंटल गति डाला हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे चलकर। देखिए यहाँ पर रोड का क्या स्थिति है, जब गाड़ी वाहन चलता है तो ये कितना बड़ा बड़ा बोल्डर जो है इस रोड पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है।